हेलो एवरीवन, एसएसटी में आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये सिविक्स आज इसलिए क्योंकि हमने इसके पहले जब हम एसएसटी की स्टार्टिंग कर रहे थे तो हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके तुरंत बाद हमने ज्योग्राफी के दो चैप्टर करे थे, ज्योग्राफी के तुरंत बाद हमने हिस्ट्री के दो चैप्टर करे। अब बारी आती है किसकी, सिविक्स की। सिविक्स के भी दो चैप्टर करेंगे। ये ऐसे सर्कुलर मोशन में चलता रहेगा। पहले दो दो चैप्टर करेंगे हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी के, फिर सिविक्स पे आते रहेंगे। तो सो लेट्स बिगिन। पहला चैप्टर, आज चैप्टर का जो नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ये चैप्टर में करना हमको बेसिकली ये है, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले जानिए कि डाइवर्सिटी कहते किसको है, डाइवर्सिटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इंडिया में कौन कौन से टाइप की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती हैं, और लास्ट में ये देखेंगे कि इंडिया इतनी ज़्यादा मात्रा में डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद इंडिया में इतनी यूनिटी क्यों है। अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो है सिलेबस होने वाला है। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है, इसमें टू वर्ड्स हैं, इसको देखते हैं। पहला लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को समझना, उसके डेप्थ में जा करके उसका विश्लेषण करना चीज़ों का। और दूसरा जो वर्ड है ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विविधता। विविधता मतलब ये कि हमारे सामने जो है दो तीन चीज़ें रखी हुई हैं, और रखी हुई हैं या हम जहाँ रहते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल भी एक तरीके से दूसरे से क्या, एक दूसरे से भिन्न है। अगर आप मान लो कि आपके सामने तीन चार चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया, ये आपका बैग हो गया, ये कॉपी हो गई, चार चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन चारों चीज़ों में क्या है, अंतर है। अंतर किस बात का है कि अंदर में उनका आकार अलग है, उनकी साइज अलग है, उनका शेप अलग है, उनका कलर अलग है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चारों के चारों चीज़ें हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं, एक दूसरे से क्या है, डाइवर्स है। अब ये जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमारी ह्यूमन लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे, सो लेट्स देखते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है। पहली दो लाइन में ये कहा गया है कि मैनकाइंड जो है, मैनकाइंड जितने भी हम ह्यूमंस हैं इनको इनहेरिटेज में मिला हुआ है। इनहेरिटेज का मतलब होता है विरासत। इनहेरिटेज का मतलब होता है विरासत। विरासत वो चीज़ जिसको हमने खुद नहीं गेन किया है, हमको किसी ने दिया। तो जितने भी ह्यूमंस हैं धरती पे, उन ह्यूमंस को इनहेरिटेज में क्या मिला है, वैरायटी ऑफ द थिंग्स मिली है। वैरायटी, अलग अलग तरीके की चीज़ हमको मिली हुई है। कहाँ से, हमको नेचर से मिली हुई है। और नेचर से हमको क्या क्या मिली हुई है, इसमें नेचर ने हमको क्या क्या दिया है। नेचर ने हमको बहुत टाइप के प्लांट्स दिए हैं, बहुत टाइप के ट्रीज दिए हैं, फ्लावर्स दिया है, बर्ड्स दिया है, एनिमल्स दिया है, रिवर्स दिया है, प्लेट्यू दिया है, माउंटेन्स दिया है, जहाँ हम रहते हैं वो जमीन दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, जो पानी हम पी रहे हैं, जो सांस के लिए, हम ब्रीदिंग के लिए एयर इस्तेमाल कर, वो सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा दी गई हैं, मदर नेचर के द्वारा। ये जो प्रकृति नाम की हमारी जो माता है, इन्होंने दिया है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस को, हर एक ह्यूमंस को एक तरीके से विरासत के रूप में मिली हुई है। ह्यूमंस ने इसको क्रिएट नहीं किया। तो डाइवर्सिटी कहाँ आती, तो डाइवर्सिटी उसी वैरायटी और रेंज को बोलते हैं। ध्यान से सुनना, डाइवर्सिटी मीन्स कि वो वैरायटी और रेंज, द वैरायटी एंड रेंज वी सी इन थिंग्स, जो हम किसी भी वस्तु के अंदर में देखते हैं। क्या चीज़, वैरायटी, अलग अलग उसका प्रकार, और रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो जो भी वैरायटी और रेंज किसी भी वस्तु के अंदर में हम देखते हैं, इसी को टर्म करते हैं कैसे, डाइवर्सिटी का। जैसे अगर हम बोले फ्लावरों, फ्लावर्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द फ्लावर्स। फ्लावर्स के डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं एक साथ में, उसको क्या बोलेंगे, फ्लावर्स इन द डाइवर्सिटी इन द फ्लावर्स। डाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में गए, जंगल में अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, तो क्या बोलेंगे, पेड़ तो हैं सारे, बट सब में डाइवर्सिटी है कि सब अलग अलग टाइप के हैं। कुछ आम के पेड़ हैं, कुछ लीची के पेड़ हैं, कुछ बनाना ट्रीज हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो ये जो वैरायटी और जो रेंज होता है किसी भी थिंग्स में, इसी टर्म को बोलते हैं किस नाम से, डाइवर्सिटी। जब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं, तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, हम किस में देख सकते हैं, रिलीजन भी फॉलो।
रिलीजन, जो जैसे रिलीजन्स क्या क्या है, हमारे हमारे इंडिया में मेजर 6 रिलीजन्स हैं। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ जैन हैं, कुछ पारसी हैं। 6 टोटल मेजर रिलीजन हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है कि नहीं है? ये डाइवर्सिटी किस में है? रिलीजन्स में है, जिस रिलीजन्स को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरे मेरे दोस्त, मेरे कलीग क्या है, मुस्लिम है, और उनके कलीग क्या है, सिख है, तो हम तीनों के तीनों हैं तो ह्यूमन से। वो हो गई सिमिलरिटी वाली बात, हम सारे के सारे तीन लोग ह्यूमंस हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो गया, जो हम रिलीजन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कुछ अलग तरीका होगा वर्शिप करने का। अगर कोई मुस्लिम है तो उनको नमाज पढ़ने का तरीका अलग होगा, अगर कोई सिख है तो उनके गुरुद्वारे जाने का अलग तरीका होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इसको बोलते हैं कि ये डाइवर्सिटी है। ये क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस में है, रिलीजन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, लैंग्वेज वी स्पीक। ये डाइवर्सिटी किस में हो सकती है, लैंग्वेजेज में। कुछ लोगों को भोजपुरी आती है तो भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोगों को हिंदी अच्छी लगती है वो हिंदी बोलते हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तीन या चार लोग हैं और उनके अंदर वो सारे लोग ह्यूमन से सिमिलरिटी, बट डाइवर्सिटी किस बात की, वो भाषा जो बोल रहे हैं। कुछ लोगों को भोजपुरी, हिंदी, और किसी को, आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे लोग मराठी आपको बोलेंगे, बंगाल में जाओगे तो लोग आपको बंगाली बोलेंगे, केरला में चले जाओगे आपको लोग वहाँ मलयालम मिलते बोल जाएंगे, तमिलनाडु में जाओगे आप लोग वहाँ पे तमिल मिलेंगे, कर्नाटका में जाओगे लोग वहाँ कन्नड़ बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये डाइवर्सिटी दिखती है जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें भी हो सकती है। पहला हमने देखा किसमें, रिलीजन जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें, और दूसरी डाइवर्सिटी इस बात की कि जो लैंग्वेज हम स्पीक करते हैं। ये डाइवर्सिटी किसमें हो सकती है, जो खाना हम खाते हैं। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहोगे तो चावल, रोटी और डिफरेंट टाइप की सब्जी जो है ये कॉमन चीज़ें हैं। बट आप साउथ इंडिया में जाओगे तो इडली, डोसा, सांभर, चिकन करी, मटन करी, ये करी, वो करी, वो सारी चीज़ें अलग खाते हैं हमसे। तो डाइवर्सिटी किस बात की आ गई, जो हम खाना खा रहे हैं। ये डाइवर्सिटी किस में हो सकती है, हम जो क्लोथ पहनते हैं। अब जैसे हमारा जो ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन ड्रेस क्या है, धोती और कुर्ता पहनना, लेकिन कोई पहनता है क्या? किसी को जीन्स पसंद है, किसी को ट्राउजर पसंद है, किसी को शर्ट पसंद है, किसी को कुर्ता पसंद है, कोई लुंगी पहनता है। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो केरला हो गया, और फिर से ये तमिलनाडु वाले इलाकों, यहाँ पे लोग लुंगी पहन के रहते हैं। तो वो आप चले जाओ कहाँ, पंजाब में चले जाओ, आप राजस्थान में जाओ, वहाँ लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं, भले गर्मी रहे सर्दी रहे उनको नहीं फर्क पड़ता, वो पगड़ी बांधते हैं। सिखों में देख लो, वो भी टर्बन बांधते हैं, टर्बन, पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन बोलते हैं, टर्बन, तो वो पहनते हैं। तो जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, डाइवर्सिटी उसमें भी हो सकती है। रेस भी बिलोंग टू, रेस का मतलब वंश, रेस का मतलब क्या होता है, वंश। जैसे कि हमारे माता पिता क्या है, अलग है। अब किसी के मम्मी पापा जो है अलग अलग जगह से होते हैं तो उनका रेस अलग है, कि मतलब मम्मी का साइड अलग है, पापा का साइड अलग है। अब वो डिपेंड करता है कि मम्मी कहाँ से बिलोंग करती हैं, पापा से कहाँ बिलोंग करते हैं। कई लोगों के पेरेंट्स ऐसे होंगे कि जैसे कि हैं वो इंडियन और उन्होंने शादी करी रखी है किसी फॉरेनर से, हो सकता कि नहीं। आप सिटीज में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो वो रेस ही चेंज हो गया है, एक इंडियन है, मदर साइड से कौन है, कोई फॉरेनर है, किसी दूसरे देश के हैं। तो ये रेस में भी डिपेंड करता है। और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर सकती है। ये डाइवर्सिटी किस में भी एग्जिस्ट करती है, आप देख लो कि समाज में सारे लोग ह्यूमंस हैं, सिमिलरिटी हो गई, लेकिन कई लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और कई लोगों के पास कम पैसा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डाइवर्सिटी इन द वेल्थ, डाइवर्सिटी इन द वेल्थ। वेल्थ का मतलब जो धन है उसके आधार पर डाइवर्सिटी है, कई लोगों के पास ज़्यादा पैसा, कई लोगों के पास कम है। जमीन के पास डाइवर्सिटी होती है कि किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास ज़्यादा है, डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती ही है। अब बात करते हैं सोशल ग्रुप्स की। देखो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, हर एक ह्यूमन बीइंग्स, अगर उनकी जो है ढेर सारी ज़रूरतें होती हैं, तो वो अपनी ज़रूरतें, दे कांट फिल देयर फुलफिल ऑल नीड्स ऑन इट्स ओन, मतलब कि वो अपनी जमे वो अब जैसे मुझे, मैं अपनी बात, जैसे आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, आपकी ज़रूरत क्या है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना, आपकी ज़रूरत है पढ़ना है, आपको पैसे चाहिए, आपको खाना चाहिए, तो क्या अकेले आप ये कर सकते हो क्या? आपको पढ़ने के लिए एक टीचर चाहिए, आपको खाना बना, आपको खाना चाहिए तो खाना बनाने वाला कोई चाहिए, तो मम्मी हो गई, आपको अगर पॉकेट मनी चाहिए तो कौन चाहिए, पापा, मतलब कि आप अकेले
तीन लोगों के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो, और आप अपनी ज़रूरतें अकेले पूरी की क्या आपने? बिल्कुल नहीं की। वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप दूसरे लोगों पे क्या हो, निर्भर हो। सेम तरीके से एग्जांपल लेते हैं, मार्केट में चलो आप, मार्केट में जाओगे तो जो सब्जी है, सब्जी बेचने वाला, क्या उसने सब्जी उगाई? बिल्कुल नहीं, उसने सब्जी नहीं उगाई, सब्जी किसी ने और उगाई थी, उसने सब्जी खरीद के लाया मार्केट में। अब वो क्या, वो सब्जी अपने लिए लेके आया है? नहीं, दूसरे लोगों के लिए क्या है, दूसरे लोग उसके पास जाएंगे, उसे खरीदेंगे। तो अगर हम एज ए पर्सन से जाके उसको परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने का मतलब क्या है कि हम अपनी ज़रूरत की, मुझे सब्जी की ज़रूरत है, और उस सब्जी की ज़रूरत की पूर्ति के लिए मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि हम जो है एक दूसरे के ऊपर अलग अलग चीज़ों के लिए क्या है, डिपेंडेंट है, और ये डिपेंड होना ज़रूरी भी है। तो इसी को बोलते हैं सोशल ग्रुप, ऐसे ही सोशल ग्रुप बनता है। तो ह्यूमंस बींग्स क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट किस बात के लिए है, ये ज़रूरी भी है कि अपनी जो है जो भी जितनी भी नीड्स है, आपकी ज़रूरतें हैं, वो फुलफिल हो सके, इसके लिए आपको एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा ही, ठीक है ना, पड़ेगा ही। इसके अकेले कोई भी व्यक्ति जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये जो डिफरेंट टाइप के सोशल ग्रुप्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। कुछ ग्रुप्स को बोल सकते हैं फैमिली, फैमिली एक सोशल ग्रुप है कि नहीं है? बिल्कुल है। फैमिली में क्या होता है, मदर होती है, मदर फादर, उनके किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सारे लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। मदर डिपेंडेंट है फादर पे कि वो बाहर से खरीद के लाएंगे तो खाना बनाएंगी, और पापा उनके ऊपर डिपेंडेंट किस बात के लिए हैं, कुछ जो सामान लाएंगे वो बना के उनको खिलाएंगी, और वो लोग डिपेंडेंट है बच्चों पे क्योंकि बच्चे जो हैं उनका थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे, बच्चे डिपेंडेंट है पापा की, उनकी पॉकेट मनी खाने की पूर्ति करेंगे। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब कि जहाँ हम रहते हैं 10 लोगों का, 15 लोगों का जो ग्रुपिंग है उसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी, जैसे आप गांव में रहते हो या शहर में रह रहे हो मान लो, तो आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपकी कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी में रहते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनसे टाइप करते हो कि हाँ हमको ये चीज़ें चाहिए, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। और सबसे बड़ा कौन सा है, नेशन। एक नेशन मतलब राष्ट्र, एक देश में बहुत सारी कम्युनिटी रहती है। कितने, इंडिया में 6.5 लाख विलेज हैं, 6.5 लाख, एक मतलब 6.5 लाख गांव हैं इंडिया में, सोच सकते हो। तो कितनी सारी, एक गांव में अगर 10-15 ही कम्युनिटी रहती हो तो कितनी सारी कम्युनिटी होंगी। तो ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इससे हम मना नहीं कर सकते। तो क्या हम जिसको फ्रेंड्स बनाते हैं, कैन वी फ्रेंड्स विद द डिफरेंट, क्या हम इस डिफरेंसेस के साथ किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जितने भी पीपल्स होते हैं ना, वो जब किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो बैकग्राउंड थोड़े देखते हैं, डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड के लोग किसी को अपना फ्रेंड्स बना ले सकते हैं। वन कैन बी फ्रेंड विद एनी फ्रेंड, फ्रेंडली बिलोंग्स टू द अदर डिफरेंट सोशल। जैसे कि एक रिलीजन का व्यक्ति दूसरे रिलीजन के व्यक्ति के साथ क्या फ्रेंडशिप कर सकता है? आप ही कोई दोस्त होगा, जैसे कि आप मान लो कि लेट सपोज कि अगर कास्ट की ही बात करें, कास्ट मतलब जाति, तो आप ब्राह्मण हो, ठीक है, और कोई ब्राह्मण हो, और कोई मान लो कि आप क्या कह सकते हैं, कोई यादव है, आप उसकी फ्रेंडशिप हो सकती है। आप मिश्रा हो, किसी तिवारी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। तो ये क्या है, ये ठीक है, हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, लेकिन जो डाइवर्स पीपल है उनके साथ ही तो कर रहे हैं। वो रिलीजियस बैकग्राउंड वाला, तो आप दूसरे धर्म के हो, आपका दोस्त दूसरे धर्म का हो सकता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब आप अमीर हो गरीब हो, उसके आधार पर भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इसके आधार पर कोई हमारे साथ जो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी बोल रहा हूँ, हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकता है, करता भी नहीं बेसिकली। गवर्नमेंट ने 2009 की बात है, 2009 में जो जितने भी गरीब बच्चे हैं ना, देखिए जिसके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़वा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे अमीर गरीब होते हैं, गरीब की इतना कि उनके मम्मी पापा इतना ही कमा पाते हैं क्योंकि कि सांभर का खाना उनको बस नसीब हो पाता है, तो ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन नाम का एक कानून बनाया था। राइट टू एजुकेशन हिंदी में शिक्षा का अधिकार, मतलब सबको पढ़ने का अधिकार है, वो गरीब हो अमीर हो, मोटा हो पतला हो, लूला हो लंगड़ा, उससे नहीं मतलब है, सबको पढ़ने का अधिकार है। तो 2009 में ये कानून बनाया गया, और कानून में ये बोला है कि जितने पुअर फैमिली, गरीब फैमिली के जितने भी बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स का मतलब जितने सरकारी विद्यालय है उसमें वो पढ़ सकते हैं, और इस आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जो है क्या है, गरीब है। तो ये डाइवर्सिटी आखिर इंडिया में एग्जिस्ट करी कैसे? शुरुआत में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, जितने भी ह्यूमंस थे वो कौन सी लाइफ जीते थे, नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक का लाइफ मतलब
खाने पानी की तलाश में कभी यहाँ हैं, दूसरे दिन यहाँ पहुँच गए, तीसरे दिन यहाँ पहुँच गए, जगह चेंज कर रहे हैं डेली 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 डेली। तो आप सोचो जरा, जब यहाँ से आप यहाँ जाओगे दूसरे प्लेस पे, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, या थर्ड प्लेस है, तो जब फर्स्ट प्लेस के लोग जब सेकेंड प्लेस पे जाएंगे, तो क्या यहाँ पहले से कुछ लोग नहीं होंगे? तो उनका रहने का तरीका, तौर तरीका अलग होगा। अब ये जाकर उनमें मिल गए, फिर ये दोनों लोग जो है तीसरे मिल गए, तीसरे लोग चौथे मिल गए, चौथे लोग पांचवे मिल गए। तो ये जो नोमैडिक लाइफ जीते थे ना, कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवलिंग करते 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 करते, ये इतनी बार रिपीटेशन हुआ इसका, क्योंकि जितने मेंस तो मिंगल होना शुरू हो गए, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना, और शुरुआत हुई किसकी, डिफरेंट पीपल की सोसाइटी। मतलब एक ही समाज है, एक ही जगह है, उसमें 10 तरीके के 20 तरीके के लोग एक साथ रहते हैं, और इसी ने इमरजेंस का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति करी किसकी, डाइवर्सिटी की। समझ में आ गई बातें? अब बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंटर डिपेंडेंस। इंटर डिपेंडेंस का डाइवर्सिटी तो है, भी बताया हमने डाइवर्सिटी है, सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उनके अंदर में एक दूसरे पे क्या है, अगर ये दो व्यक्ति हैं, मान लो कि अलग अलग ट्रेड रिलीजन्स के हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे मुझे अपने कपड़े धुलाने हैं और मुझे धुलने का मन नहीं कर, मैं किसके पास जाऊंगा भाई? मैं जाऊंगा धोबी के पास, जो वॉशरमैन है उनके पास जाऊंगा। मुझे फर्नीचर बनवाने हैं, तो घर पे मैं थोड़े ना फर्नीचर बनाऊंगा खुद से, खुद के हाथों से ही। फर्नीचर बनवाने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा, कारपेंटर के पास जाऊंगा। तो ये दो पीपल तो अलग अलग है ना, तो दो पीपल जो अलग अलग हैं, बट वो अपनी नीड्स के लिए क्या है, एक दूसरे के ऊपर में क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो उसी की बात हो रही, आप डाइवर्स हो बट एक दूसरे के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट। तो बात हो रही है कि एक ही अगर सोशल ग्रुप की बात करें, तो डाइवर्स पीपल रहते हैं, अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज करते हैं, काम करते हैं, और ये डिपेंड करता है वो कौन से काम करेंगे, उनके कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके स्किल्स के ऊपर, उनको क्या आता है, उनको लकड़ी के से सामान बनाना आता है, कि उनको लोहे के सामान बनाना आता है, उनके सोने के सामान में, उनके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके इंटरेस्ट और एजुकेशन, उनके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो कहीं बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, तो ये अलग अलग स्किल्स के ऊपर काम करता है। अब ये एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे डॉक्टर बहुत पढ़ाई किए हैं, ठीक है, डॉक्टर बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो क्या डॉक्टर बनते हैं खुद के इलाज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जितने लोग अमीर गरीब हैं, उनका जब भी क्या होगा, उनको थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आएगी, वो किसके पास जाएंगे, एक डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये 50 लोग जा रहे हैं किसके पास, डॉक्टर। तो यानी अब देखो, डॉक्टर जो, अब इतने लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर इनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, जब तक ये इनके पास आएंगे नहीं, तो इन्होंने जो पढ़ाई रखी है, पढ़ रखी है कि इस दवा, इस बीमारी के लिए मेडिसिन देंगे, कैसे उसको वेरीफाई करेंगे कि वो सच में दवा काम कर रहा है कि नहीं, और ये पैसे कैसे अर्निंग करेंगे, नहीं जाएंगे तो। मतलब कि लोग जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हैं। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक देश का इंटरेक्शन होता है जो दूसरे देश के साथ, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब इंटरनेट है ना, आप यहाँ इंडिया में बैठे हो, आपको पता करना है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या हो रहा है, तुरंत गूगल पे टाइप करके पता कर सकते हो, न्यूजीलैंड में पता करना है तुरंत आप पता कर सकते हो, कॉन्गो में क्या हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ कौन कौन सी शहर है जहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन से पार्क हैं, कौन कौन सी स्कूल है, सारा चीज़ अवेलेबल है किस पे, इंटरनेट पे। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, ये हुआ पॉसिबल ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि दूर दूर के इलाकों को, दूर दूर के इलाकों को आपस में मिला देना। तो ये भी लोग भी क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। हो सकता है कि आपके किचन में जो आइटम्स हो, वो किसी किचन में आइटम्स हो, या जो आप गैजेट्स यूज कर रहे हो, या टीवी देख रहे हो सकता है, या आप जिस कार से चलते हो, वो किसी बाहर की कंपनी हो, बाहर की, रेफ्रिजरेटर आता है सैमसंग का, फ़ोन ही इस्तेमाल करते हो सैमसंग का, अपने इंडिया की थोड़ी नहीं कंपनी है, वो तो कोरिया की कंपनी है, जापान की कंपनी है, जो आके आपके वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। तो वो किसका किसका है वो असर, वो है ग्लोबलाइजेशन। लेक्चर लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना रहने देते हैं।